हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव, टीम सीएलसी सीकर, आप लोगों का स्वागत करता हूं सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सीएलसी ने एक रैंक बूस्टिंग और रैंक इम्प्रूवर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग जेई मेंस में जो एनटीए ने सेशन 19, 20 और 21 में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। और इस प्रोग्राम का आपको एक डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि अभी लास्ट टाइम स्टडी जो करेंगे हम लोग, उसमें हम लोगों को ये पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बेसिकली पुटअप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देते हुए पढ़ना है और किस टॉपिक को हम कम पढ़ें या छोड़ें, ठीक है, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है अब। क्लियर? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज फिजिकल केमिस्ट्री के पहले टॉपिक से, जिसमें जेई मेंस के एग्जाम में एनटीए ने जो 19, 20 और 21 के सेशन में जो क्वेश्चन पुट किए हैं उनको जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज इस पूरे जो प्रोग्राम है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो भी एनटीए ने क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, और कॉन्सेप्ट्स को जो उनसे रिलेटेड थ्योरी है उसको भी मैं कवर करता चलूंगा आप लोगों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय खराब किए हुए, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों। अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड्स एंड टू रेडियल नोड्स, द ऑर्बिटल इज। तो इसमें क्या बोला गया है आपको कि एक कक्षक जो कोई कोणीय नोड नहीं रखता है, दो रेडियल नोड रखता है, रेडियल मतलब त्रिज्यीय नोड, ठीक है। अच्छा, तो अपन को गौर करने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन बेसिकली आपका वेव मैकेनिकल मॉडल या ऑर्बिटल्स की जो थ्योरी है क्वांटम नंबर से रिलेटेड, उससे ये पुट किया गया है ना। तो चलो अपन लोग देखें इसमें कि क्या बोला गया है। अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड एंड टू रेडियल नोड, ठीक है। तो एंगुलर नोड जो कोणीय नोड होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर रहता है, एल के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो रेडियल नोड होते हैं, त्रिज्यीय नोड, वो क्या होते हैं, एन माइनस एल माइनस वन के बराबर। अब वो कह रहे हैं कि आपको कि एल की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि जीरो एंगुलर नोड है और रेडियल नोड अपने पास कितने हैं, दो, तो रेडियल नोड दो कर दिए भाई, ठीक है। तो वो कह रहे हैं किस ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग ऐसा होगा, ठीक है। तो एल की वैल्यू जीरो अपन ने रखी, तो यहां पर क्या आया, ये L की वैल्यू जीरो S ऑर्बिटल के लिए होता है। यहां पे L की वैल्यू अगर हमने जीरो रखी तो n माइनस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू टू, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया आपका थर्ड ऑर्बिट और S सबसेल, और बेसिकली S सबसेल का S ऑर्बिटल, ठीक है। सो आंसर इज 3s, सो आंसर इज 4। क्लियर? तो समझ में आ गया बच्चों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू, ये आपको जेई मीन्स मार्च 2021 में पूछा गया है। अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज एन इज इक्वल टू फोर एंड एम एल इज इक्वल टू माइनस थ्री, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन दिस। अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल से, ठीक है। तो कौन से ऑर्बिटल को जो है, मतलब एक निश्चित कक्षक है जो आपका फोर और एम एल इज इक्वल टू माइनस थ्री रखता है, तो कक्षक में रेडियल नोडों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 4 है और ml आपका जो माइनस 3 है, ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पे कि n की वैल्यू जो 4 है, तो n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू क्या संभव है बेटा, ठीक है, l की वैल्यू 0 1 2 3 है ना। जैसा कि अपन को पता है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 0 टू n माइनस 1 रहता है, ठीक है। अब अपन लोगों को ml चाहिए माइनस 3, और ml क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि l की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। तो माइनस l ओके टू 0 एंड 0 टू प्लस l, ठीक है। अच्छा, तो अगर अपन लोग देखें यहां पे माइनस l टू 0 एंड 0 टू प्लस l, तो यहां पे क्या होगा, l की वैल्यू आपको क्या रखनी है, यहां पे L की वैल्यू कितनी रखें ताकि ML अपना माइनस थ्री आ सके, ठीक है।
तो देखो बच्चों, एल की वैल्यू जीरो के लिए -3 नहीं आ सकता कभी भी, एल की वैल्यू 1 के लिए भी नहीं आ सकता, एल की वैल्यू 2 के लिए भी नहीं आ सकता, ठीक है। ML आपको -3 चाहिए तो मतलब L की वैल्यू 3 ही रखनी होगी, ठीक है। अच्छा, और L की वैल्यू अगर 3 है तो मतलब ये F सबसेल है, ठीक है। कौन सा है? F सबसेल, ठीक है। और F सबसेल जो है आपका मतलब N is equal to 4 and this is what? 4F सबसेल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? 4F सबसेल, ठीक है। अच्छा, तो 4F सबसेल या 4F ऑर्बिटल जो भी होगा, ठीक है, उसमें अपन लोगों को रेडियल नोड्स पता करने हैं। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला अभी अभी सीखा लास्ट क्वेश्चन में अपन ने, तो n माइनस एल माइनस 1 वैल्यू पुट करो, ठीक है। सो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू है 4, l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू है आपकी 3, है ना। अच्छा, और माइनस 1 मतलब आंसर इज वॉट? 0, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 0 आंसर हो गया, क्लियर। तो इसमें आपको जो है ये इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन था, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 0, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक आयरन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो आपको जो है केवल जो घूर्णन चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, उसमें जो आयरन का परमाणु मूल अवस्था में है उसका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है। तो अपन को पता है बेटा कि आयरन जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, लास्ट सबसेल का जो है क्या होता है? 3d6 एंड 4s2, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, हमें पता क्या करना है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है भाई अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। एन की वैल्यू यहां पे क्या होगी? एन की वैल्यू आपको जो है पता करनी होगी भाई। तो एन क्या होता है यहां पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेसिकली अपन लोगों को पता करने हैं, ठीक है। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, दैट इज 3d6 एंड 4s2, लास्ट सबसेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो 3d6 की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपन लोग ये d5 हो गया, d6 हो गया, मतलब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 4s, और बाकी सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है? 4 हैं अपने पास, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 × 4 + 2, दैट इज वॉट? रूट ऑफ 24। तो रूट 24 कितना होता है भाई? रफली 4.9 के आसपास आएगा बेटा, क्योंकि रूट 25 जो है आपका जो रूट 25 5 होता है, ठीक है। तो अपन लोगों को बोला जा रहा है कि भाई 4.9 हमारा जो आंसर आया है, ठीक है, ये बोर मैग्नेटॉन में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो 4.9 को हम लोग क्या लिखेंगे? 49 × 10⁻¹ बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आंसर क्या फिल किया जाएगा? 49। ये भी इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से अच्छी अमाउंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन। देखो, आपको बोला जा रहा है व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है भाई, तो कोई धातु की जो सतह है उसकी जिसकी दहलीय ऊर्जा कितनी है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके ऊपर एक लाइट अपन लोग फॉल करा रहे हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा ये सब तो अब, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है अपने पास? 248 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, इससे जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है ना,
उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ पता करनी है। ओके, इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन को दे रखा है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे उनकी अपन लोगों को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता करनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब पता चलेगी तो अपन लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कितनी मोमेंटम से चल रहा है। ठीक है, ऐसा अपन लोग पता कर पाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं। इसमें अपन लोगों को जो डेटा जो है बेटा लेना है, इसमें तो पहले हम बात करते हैं यहां पे कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो आपतित किरण है उसकी एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, जो दहली ऊर्जा है, अब जो दहली ऊर्जा है वो आपको दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन लोगों को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस डब्ल्यू। अब एनर्जी निकालने के लिए मतलब जो लाइट की एनर्जी है बेसिकली उसमें वेवलेंथ उसकी दे रखी है, तो फोटोन जो पड़ा है उस प्लेट के ऊपर उसका जो एनर्जी रहेगा वो हम देखते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके अपन लोग क्या लिखते हैं, 1 2 4 00। ठीक है, अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो आंसर आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने ये पूरा सब डिराइव करा है। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो अपन लोग इसको नोट कर लें पहले, तो है ना। अच्छा बढ़ते हैं आगे। तो अपन लोगों को जो वेवलेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 2 4 00 अपॉन 2 4 8, ठीक है, 0, ये एंगस्ट्रॉम में होगा, है ना। अच्छा तो यहां से क्या आ रहा है, देखो 124 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये आएगा 20, है ना, और ये क्या आएगा 100, तो ये आएगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ई का आंसर आ गया। ठीक है, अगर ई आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है तो अब अपन को क्या करना है, अपन को निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 5 - 3 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास जो है क्या हो गया, टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन एम वी बेटा। तो मोमेंटम की जगह जब काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग तो क्या आता है, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ठीक है, अच्छा ये क्या है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा जी इस फॉर्मूले को अपन लोग जब मॉडिफाई करते हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आता है अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी। ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला निकाला है, जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन रूट वी। वी क्या है, पोटेंशियल या वोल्टेज। ठीक है, जिससे इसको आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट कर रहे हो। अब यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको अगर हम देखें तो कितने वोल्ट से आइसोलेट किया जा रहा है बेटा, 2 वोल्ट से। ठीक है, क्यू वी होता है ना भाई, है ना, तो 2 वोल्ट से आपको जो है यहाँ पे इसको आइसोलेट किया जा रहा होगा। तो अपन लोग देखेंगे यहाँ पे लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा आएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन 2। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ 75। ठीक है, रूट ऑफ 75 मतलब 5√3, तो 5 × 1.732। ठीक है, अच्छा तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये जो आंसर आएगा बेटा एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये भी ध्यान रखना है अपन को। तो अपन को जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से जो आंसर आएगा जो है 5 × ये कितना आ रहा है, तो (8.66). ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट इंटीजर अगर राउंड ऑफ इसको अपन लोगों को इंटीजर में देना है तो आंसर क्या देंगे बेटा, 8.6 का अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ कर दो इसको। ठीक है, तो 6 को हटाओगे तो यहाँ पे 9। ठीक है, सो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा
दैट मस्ट बी व्हाट, दिस विल बी 9 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बढ़े आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 5 एंड ml इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, ये क्वांटम नंबर का ही क्वेश्चन है। तो n इज इक्वल टू 5 और ml प्लस 2 के लिए कक्षकों की संख्या अपन लोगों को पता करनी है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। n की वैल्यू 5 है बेटा और ml की वैल्यू आपको प्लस 2 चाहिए। ठीक है, तो m की वैल्यू जब 5 होगी तो इसमें सबसेल कौन कौन से होंगे भाई? l की वैल्यू के हिसाब से अपन को पता चलेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपके पास सबसेल रहेंगे, s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल, f सबसेल, g सबसेल। ठीक है, अच्छा तो अगर अपन लोगों को ml प्लस 2 चाहिए तो ml प्लस 2 आपका 0 के करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता, 1 के करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता। अच्छा, ml जो है आपका l की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, तो ml एक ऑब्वियस है, एक ही ऑर्बिटल होगा ये, तो आपका जो है ये होगा इसका एक ऑर्बिटल। जो l की वैल्यू 3 है उसके करस्पॉन्डिंग भी आपको ml प्लस 2 मिलेगा, मतलब एक ऑर्बिटल ये हो जाएगा। ठीक है, और l की वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग भी ml आपको प्लस 2 मिलेगा, तो इसके लिए भी एक ऑर्बिटल हो जाएगा। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे अपने पास? 3 ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल इस तरीके के होंगे अपने पास, है ना? सो आंसर इज व्हाट? 3, है ना? आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। छठवां क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, सॉरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। अ बॉल वेइंग 10 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 5% देन द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई? कि भाई अनसर्टेनिटी मतलब जो अनिश्चितता है 5% की किसमें है? वेग में। और स्थिति में अनिश्चितता पूछा गया तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये अपन को बताना है। तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स जो होगा, डेल्टा एक्स पता करना है भाई, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन 4 पाई। ठीक है, डेल्टा पी क्या होता है? m डॉट डेल्टा वी। ठीक है, अच्छा तो m डॉट डेल्टा वी आपका डेल्टा x का वैल्यू होगा। अब h जो आएगा वो क्या आएगा? 6.63 into 10 to the power minus 34, जैसा कि अपन लोगों को वैल्यू दे रखी है h की, है ना? अपॉन क्या है भाई? 4 into 3.14 into मास आपका जो है बॉल का कितना दे रखा है बेटा? 10 into 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे m के इस यूनिट में सारी वैल्यूज को। और डेल्टा वी अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता है स्पीड में वो कितनी है? 5%। तो 5% जो है क्या लिखेंगे अपन लोग? 5% की जो अनिश्चितता है 5/100, ठीक है, इनटू व्हाट? 90। तो 90 मीटर पर सेकंड में 5% की अनिश्चितता है, तो 5% की अनिश्चितता ही हो गई। ठीक है, अच्छा तो अब अपन लोग क्या करेंगे इसमें? इसको बस सॉल्व करना बाकी है बच्चों, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है आपका 1.17 इंटू 10 की पावर माइनस 33। ठीक है, क्लियर? सो अप्रोक्सीमेटली आपको राउंड ऑफ करना है, तो राउंडेड ऑफ करोगे आप, तो राउंड ऑफ करोगे तो आपका यहाँ पे 7 को राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, आपको लास्ट डिजिट राउंड ऑफ करनी है बेटा। ठीक है, माइनस 10 टू द पावर 33 में आंसर देना है, तो इसको 1 को राउंड ऑफ करोगे भी तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। सो इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या आएगा? फर्स्ट। ठीक है ना, ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ सातवां क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द एटम ऑफ मेटल। ठीक है, ओके भाई, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इन किलोजूल पर मोल। आसान सा है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, जो आपको विद्युत चुम्बकीय किरण दे रखा है उसका
तरंग दैर्ध्य दे रखा है, ठीक है, और जो है अपन लोगों को आंसर किलो जूल पर मोल में दे रखा है, देना है, ठीक है। तो धातु के परमाणुओं को आयनीकृत करती है ये वाली जो 663 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य है, उससे धातु जो है धातु के परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं। तो अपन लोग एक काम करते हैं, पहले ये निकालते हैं कि जो इस तरंग दैर्ध्य का एक फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी कितनी होगी भाई, एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी है अपने पास, एच की वैल्यू है 6.63 × 10⁻³⁴। सी की वैल्यू आपको 3 × 10⁸ दे रखी है, ठीक है, और लैम्डा आपको कितना दे रखा है, 6 × 10⁻¹⁹, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर अपन लोग यहाँ पे इसको कट करें तो ये क्या होगा, 100 times जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 × ये आपका हो जाएगा 10⁻¹⁷। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻¹⁴, ठीक है, 10⁻¹⁴ प्लस 8 और 7 = 15, ठीक है। अच्छा जी, तो 15 × 15 = 30, और मतलब ये आएगा 3 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है, पर एटम। ये मतलब ये एक फोटोन के लिए है, तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक एटम के लिए ये आपकी आयनीकरण ऊर्जा हो गई, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। अच्छा, अपन लोगों को किलो जूल पर मोल में देना है आंसर, तो किलो जूल पर मोल में निकालने के लिए अपन क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे भाई, एक एटम की अपन लोगों को आयनीकरण ऊर्जा मिल गई, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं भाई, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 3 × 10⁻¹⁹ × एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻²³ कर दो, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आएगा भाई, 6 × 3 = 18 और 0 = 6, है ना, × 10⁻¹⁹ और ये +4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अपन लोगों को किलो जूल में आंसर देना है, तो यहाँ पे 10³ कर दो, तो 180.6 × 10³ जूल आ गया, तो 180.6 किलो जूल आ जाएगा, 180.6 किलो जूल, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो 180.6 अपना आंसर है, इसको अपन लोगों को राउंड ऑफ करके लिखना है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो राउंडेड ऑफ करेंगे अपन लोग, तो इसका आंसर जो आएगा वो 181 आएगा, ठीक है। सो एक ही जो आयनन ऊर्जा बेसिकली वो क्या होगा, 181 इसका आंसर अपन लोग लिखेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, द प्लॉट ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेंस्ट, देखो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात हो रही है, और ये अपन लोगों को क्या दे रखा है, 4πr² · ψ² या r², मतलब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रखा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ फैलाव होगा उसका, उसके बारे में ये बोला गया है कि हाइड्रोजन के विभिन्न कक्षकों के लिए रेडियल वितरण, ठीक है, जैसा मैंने बोला रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपको ये दे रखा है। बोला जा रहा है कि भाई किस 3s ऑर्बिटल के लिए कौन सा ग्राफ सही होगा, तो 3s ऑर्बिटल के लिए कौन सा ग्राफ सही होगा, ऑप्शन आपके पास नीचे लिख रखे हैं यहाँ पे। तो 3s ऑर्बिटल की जहां तक बात करें, तो 3s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, 3s ऑर्बिटल के लिए अपन लोग जानते हैं कि n-l-1 रेडियल नोड अपन को देखना है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 3 - 0 - 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, सॉरी n-l-1 ये रेडियल नोड होगा, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, तो 2 जो है आपका नंबर ऑफ रेडियल नोड बनेंगे। अब जरा ग्राफ देखते हैं, रेडियल नोड 2 किसमें बन रहा है बेटा, इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं बन रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने बन रहे हैं, सिर्फ एक ही रेडियल नोड बन रहा है ये, ठीक है। अच्छा, जीरो वाले को अपन लोग रेडियल नोड नहीं मानते, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका, ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें एक ही रेडियल नोड बन रहा है, इसमें भी जीरो बन रहा है, इसमें कितने बन रहे हैं, 2 रेडियल नोड बन रहे हैं।
सो आंसर आपका फोर्थ सही होगा, ठीक है। अच्छा जी, नाउ तो आंसर आपका कौन सा है, डी है ना, तो डी थर्ड ऑप्शन का है, सो ऑप्शन नंबर थ्री जाएगा इसका आंसर, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, ये जनवरी में 2020 में पूछा गया है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट, तो फोर्थ बोर ऑर्बिट के लिए अपन लोगों को पता करना है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन एम वी, ठीक है। अच्छा अपन क्या करते हैं इसमें, इसको फॉर्मूले वाइज डिराइव करते हैं, तो एम वी आर कर दो यहाँ पे और ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एम वी आर क्या होता है भाई, एन एच अपॉन टू पाई, और ये आपका आर हो गया, एन एच अपॉन टू पाई, एच एच कैंसिल आउट हो गया। आर की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं भाई, आर की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एन स्क्वायर टू पाई एन, और ये जो आपका एन स्क्वायर इंटू ए नॉट होता है, ठीक है। तो यहां से एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला आएगा लैम्डा का टू पाई एन ए नॉट, ठीक है। तो टू पाई एन ए नॉट, जहां तक अपन लोग फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू जब फोर रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, एट पाई ए नॉट, है ना। अच्छा तो चलो ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन हो गया, टेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ऑर्बिटल हैविंग टू रेडियल नोड एज वेल एज टू एंगुलर नोड, अच्छा जी, तो रेडियल नोड फिर से वैसे ही घूम फिर के क्वेश्चन आ गया, तो एंगुलर नोड भी आपके दो हैं और रेडियल नोड भी आपके, मतलब n माइनस एल माइनस वन भी टू है और l भी टू है ना। तो l की वैल्यू अगर अपन लोग टू रख रहे हैं तो टू के करस्पॉन्डिंग मतलब आपका कौन सा सबसेल आएगा, d सबसेल आएगा, ठीक है, मतलब d ऑर्बिटल को बिलोंग करना चाहिए, और l की वैल्यू यहाँ पे पुट करी हमने तो ये आएगा माइनस एन माइनस थ्री इज इक्वल टू टू, मतलब ये आपका आ गया फाइव, तो आंसर क्या होगा आपका, फाइव डी, है ना, फाइव डी विल बी द आंसर, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, आपको बोला जा रहा है कि डाइवेलेंट आयन है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 29, ऑब्वियस एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 होता है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसमें पूछा जा रहा है कि भाई जलीय विलयन है, द्विसंयोजी आयन है, परमाणु क्रमांक आपको 29 दे रखा है, फिर से वही कहानी, ठीक है। तो ये तो अपन लोग जानते ही हैं कि भाई कॉपर 29 होता है, ठीक है, अगर इसमें से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं अपन लोग बेटा, 3d10 4s1, ठीक है। अगर कॉपर 2+ बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4s0, ठीक है, और 3d9, तो 3d9 अगर हो गया तो d9 अपन देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ऐसा रहेगा जो अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रखेगा। तो जहां तक अपन लोगों को पूछा गया जा रहा है इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1, जैसा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताए थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1+2, है ना, तो यहाँ पे रूट 3 आएगा, रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, ठीक है। तो 1.732 आपका जो है ये अपन लोगों को आंसर करना है इसका इंटीजर टाइप में, तो 1.732 है, अगर इसको इंटीजर राउंड ऑफ करेंगे तो जो है इसका आंसर कितना आएगा, अराउंड 2, ठीक है। अच्छा हालांकि इसमें लिख नहीं रखा है, तो वो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अपन लोग आंसर सेट कर देंगे वहां पे। बढ़ते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू बोस एटॉमिक थ्योरी क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। देखते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जहां तक अपन लोगों को बोर्स की थ्योरी के फॉर्मूले याद हैं, तो देखो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा क्या है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर जो इलेक्ट्रॉन का होगा, उन्होंने बोला था ठीक है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सर्टेन पाथ में कुछ डिस्टेंस पे क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे, जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। और साथ में रदरफोर्ड ने ये बात बोली थी ठीक है, जिसको नील बोर ने अपने मॉडल में भी लिया कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होगा, सॉरी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, केंद्रगामी बल होगा, वो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा उसके इसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम लोग, स्पीड का फॉर्मूला निकालते हैं 2πkZe²NH ठीक है। तो जहां तक काइनेटिक एनर्जी की बात है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर दो जरा, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको जो मिलेगा, बी की जगह ये पुट करके स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 2πkZ²e4 एम अपॉन एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ठीक है। अब अगर ये काइनेटिक एनर्जी आ गया ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो पूछा क्या जा रहा है, उन्होंने क्या बोला है अपन को ऑप्शंस में, उन्होंने ऑप्शंस में अपन को बोल रखा है, देखते हैं भाई, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो अपन ने भी यही फॉर्मूला निकाला है कि काइनेटिक एनर्जी, बाकी तो सभी वैल्यूज कॉन्स्टेंट है, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये आपका होगा। The product of velocity of electron and principal quantum number v dot n, इसमें जो है directly proportional to z square करेंगे, तो अगर अपन लोग जो है product of velocity देखेंगे, तो velocity का जो formula हमने निकाला है 2πkZe²nh, इसमें अगर अपन लोग n से multiply भी कर देंगे तो यहाँ पे n हटे आएगा ठीक है v dot n में, तो अपन लोग देखेंगे कि v डॉट n जो आएगा वो 2πkZe² आएगा, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि z स्क्वायर के तो नहीं आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये ऑप्शन अपन को चूज नहीं करना है ठीक है, पहला ऑप्शन चूज करना है, पहला तो सही है ठीक है, बाकी के क्यों नहीं करने हैं वो अपन लोग देख लेते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन आपको बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगा, आंसर तो अपन को मिल चुका है ठीक है, बाकी अपन लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, देखो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन सिर्फ हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखना है, तो प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड ठीक है। अच्छा 1/टाइम पीरियड तो मतलब अपन लोग क्या लिखेंगे इसको, 2πr/v ठीक है। अच्छा तो जहां तक प्रोपोर्शनलिटी की बात है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, 2πkZe²nh, तो स्पीड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z/n के है ठीक है ओके, और r जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z है ठीक है, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n है ठीक है। तो स्पीड तो अपन ने लिख दिया, r क्या है, r है आपका n²/z ठीक है। सो यहां से क्या आएगा आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। सो अपन लोग देखेंगे यहाँ पे z³ लिखा हुआ है इन्होंने, z³/n³ ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा ठीक है। अच्छा डी ऑप्शन जो है, अच्छा ये तो स्टेटमेंट है, अपन लोगों को फाइनल आंसर नीचे लिख रखा है, तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z³ एंड, तो स्टेटमेंट ए आपका करेक्ट है, बी और सी रॉन्ग है ठीक है। अब अपन लोगों को किस पे चेक करना है बेटा, लास्ट स्टेटमेंट पे, डी स्टेटमेंट पे चेक करना है अपन को ठीक है। तो लास्ट स्टेटमेंट देखो, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ इज इक्वल टू व्हाट, के q1 q2 क्या होगा, Ze² / r² ठीक है, ये तो पता ही अपन को, न्यूक्लियस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जो है उनके बीच की डिस्टेंस r², तो R जो है अपन को पता है, अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो Z/R क्या होगा, n²/z² ठीक है। सो यहां से ये क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी जो आएगी वो Z³/n⁴ आएगी ठीक है। तो यहाँ पे देखो Z³/n⁴ ये सही आ रहा है ठीक है। सो आंसर क्या है आपका, A एंड D
मतलब ये डी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब अपने पास जो आंसर बनेगा वो सेकंड बनेगा, ए एंड डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ओके। 13 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मास ऑफ लिथियम 3 प्लस इज 8.33 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। अगर प्रोटॉन जो है से लिथियम 3 प्लस का जो आयन है वो 8.33 टाइम्स भारी है, हैवियर है। आपको बोला जा रहा है कि लिथियम 3 प्लस और प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस देन द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा जी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब हर ऑल्टरनेट क्वेश्चन कहीं ना कहीं डी ब्रोगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये तो अपन को समझ में आ ही रहा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन कहाँ से पिक किए जा रहे हैं, है ना। अच्छा देखो, आपको बोला जा रहा है लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू क्या है अपन लोग, एच अपॉन एम वी, एम वी क्या लिखते हैं भाई, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ठीक है। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं भाई, चार्ज, ठीक है, क्यू डॉट वी। तो अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू वी वोल्ट और क्यू इसका चार्ज, तो लैम्डा जो आएगा वो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 2 क्यू वी एंड एम, ठीक है। अच्छा जी, तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन 2 डॉट क्यू डॉट वी डॉट एम, ठीक है। अच्छा, आपको क्या बोला जा रहा है बेटा, लिथियम का जो है तथा प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का अनुपात, ठीक है। तो लिथियम 3 प्लस, ठीक है, अपॉन प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का अनुपात अपन को बताना है। तो अपन क्या करेंगे, बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट में भाई, ये लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, सब कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल डिफरेंस जिससे प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या आएगा, लिथियम 3 प्लस का चार्ज डॉट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लिथियम 3 प्लस जिससे उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, और मास ऑफ लिथियम 3 प्लस, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। जहां तक रही बात चार्ज की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोटॉन एक यूनिट का चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, 3 यूनिट का चार्ज है, ठीक है। तो अपन लोग लिखेंगे 1/3, तो ये हो गया QP और इसका रेशियो। आपको बोला जा रहा है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ लिथियम आयन जो है, ठीक है, लिथियम आयन 8.33 टाइम्स हैवियर है प्रोटॉन के मास से, तो ये 8.33 हो गया। तो बचा गया बेटा, ये आया आपका 1 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 24.99 आएगा, जिसको अपन लोग 25 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको 25 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/ दोनों का रेशियो क्या आएगा, ठीक है, सो 1/5, है ना, सो 1/5 आ गया आपका। तो मतलब अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.2, तो 2 × 10⁻¹, तो आंसर x का क्या होगा, आंसर x का होगा 2, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 4.41 इंटू जो है आपको ये दे रखा है, ठीक है भाई, सोडियम धातु है जो उसका जो कार्यफलन है, ठीक है, वो कितना है, 4.41 इंटू 10⁻¹⁹। अगर इसके ऊपर फोटोन 300 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य का आपतित होता है, ठीक है, तो जो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स में भी करते हैं, तो मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ अपना, ठीक है। तो देखो, अपन लोगों को पहले तो ये निकालना होगा, पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन जो लाइट आ रही है, माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी इसकी कितनी होगी भाई, एनर्जी होगी HC/लैम्डा से, देखो एच की वैल्यू कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻¹¾, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे
सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना दे रखा है आपको, आपको लैम्डा दे रखा है, आपको एक्चुअली आंसर जूल में बताना है, तो अपन लोग सारी एम के एस यूनिट में ही रखेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मूले में डालने की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेमडा कितना दे रखा है भाई 300 नैनोमीटर, तो 300 नैनोमीटर मतलब अपन लोग लिख सकते हैं इसको 300 × 10⁻¹, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हुआ भाई, ये 100, ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है 6.63 × 10⁻¹, ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा आपका -34, ठीक है, +8, और ये कितना आ रहा है +7, तो ये आपका आ जाएगा 8, 7, 15, मतलब 6.63 × 10⁻¹⁹, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, एनर्जी आ गई जूल में, किसमें आ गई, एनर्जी जूल में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो आपको जो है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आ गई है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, वर्क फंक्शन आपको दे रखा है कितना 4.41, ठीक है भाई, तो अपन लोगों को जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी 6.63 − 4.41 × 10⁻¹⁹, कितना आएगा भाई 19, ठीक है। अच्छा ये कॉमन हो गया, तो यहां से कितना आएगा भाई, ये 2 और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, ठीक है, और 2 2.22 × 10⁻¹⁹, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब अपन लोगों को करना क्या है, गतिज ऊर्जा 10⁻²⁰ करना है, तो ये कितना होगा 222 × 10⁻²⁰, ठीक है। अच्छा जी, तो आंसर क्या होगा आपका 222 इसका आंसर जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 15वां, द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बामर सीरीज, सबसे आसान क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, बामर सीरीज किस में आता है बेटा, विजिबल में, ठीक है, इंफ्रारेड वगैरह तो पार्शियल सीरीज के लिए, अल्ट्रावायलेट जो है आपका लाइमन सीरीज का है, ठीक है। तो अपन लोगों का जो आंसर आया, ठीक है, वो 3rd आ गया। बढ़ते हैं आगे, 16वां क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा 1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। तो देखो लाइमन सीरीज के लिए अपन लोगों को बोला जा रहा है, तो लाइमन सीरीज के लिए जैसा कि अपन जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां से, ग्राउंड स्टेट में जंप करता है किसी भी एनर्जी स्टेट से, ठीक है। तो लैम्डा आपको शॉर्टेस्ट पूछा है, तो शॉर्टेस्ट के लिए क्या होगा भाई, ये तो लैम्डा इसका क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है, और इसका लैम्डा क्या होगा भाई मिनिमम, जो इनफाइनाइट से जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट मतलब एनर्जी स्टेट 0 से जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या होगा, ऐसे एंड 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ठीक है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट टू 1, तो आपको ये दे रखा है लैम्डा मिनिमम, ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम जो होगा लाइमन के लिए, ठीक है, वो क्या लिखेंगे हम लोग, आर जेड स्क्वायर, जेड तो 1 ही है, ठीक है, 1/(n₁)² मतलब 1/(1)² माइनस 1/∞², ठीक है। तो ये आपका आ गया लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम, कितना आया लैम्डा मिनिमम, आया आपका 1/r, ठीक है, सॉरी 1/λ होता है, ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम कितना आया 1/r, किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। आपको पूछा क्या जा रहा है बेटा, आपको पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, तो बामर सीरीज के लिए जब मैं बात करूंगा, तो बामर सीरीज के लिए देखो यहां पे बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर एनर्जी स्टेट से
जब एनर्जी स्टेट टू में जंप करता है, तो बामर सीरीज के लिए अगर हम देखें तो जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी डिफरेंस होगी, क्लियर, इस ट्रांजिशन के लिए आपका सबसे कम एनर्जी होगा रेडिएशन का, तो सबसे कम एनर्जी रेडिएशन होगा किसके लिए, थ्री से टू के लिए। उसके लिए लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, लैम्डा क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। तो लैम्डा मैक्सिमम अगर हम देखें यहाँ पे, लैम्डा मैक्सिमम होगा बेटा, ठीक है, ये आपका 3 से 2, ठीक है। अच्छा, तो 3 से 2 लैम्डा मैक्सिमम होगा बामर सीरीज के लिए। तो बामर सीरीज के लिए 1/λ max फॉर बामर जब लिखेंगे हम लोग, ये R आएगा, Z तो 1 ही है, 1 अपॉन क्या आएगा भाई, 2² - 1/3², ठीक है। अच्छा, तो अपन को बोलवा क्या जा रहा है भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का अपन को दे रखा है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का, और बामर सीरीज के लिए मतलब जो पूछा गया है वो हीलियम प्लस आयन के लिए पूछा गया, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, आर जेड स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो जेड की जगह क्या है, 2 आ गया, एटॉमिक नंबर क्या है, 2, है ना। अच्छा, तो अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भाई जो ये आ गया आपका 4 × R × ये कितना आएगा बेटा, 9 - 4 हो जाएगा 5, एंड 4 × 9, ठीक है, सो 4 कैंसिल आउट कर दो आप, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या बचा, 5/9 R, ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 1/λ ऑफ लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, किसके लिए, बामर सीरीज के लिए, एटम कौन सा है, हीलियम आयन, ठीक है। तो जो अपन लोगों का एक्चुअली 1/λ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5/9 R, ठीक है, यही आ रहा है ना, 5/9 R आ रहा है। तो लैम्डा कितना आएगा भाई, लैम्डा आएगा आपका 9/5 R, ठीक है, 9/5 R, और 1/R अपन ने क्या निकाला था, 1/R निकाला था लैम्डा 1 के टर्म्स में, तो जो अपन का डिजायर्ड आंसर होगा वो 9/5 ऑफ लैम्डा 1 आएगा, ठीक है, ये 1/R को हमने लैम्डा 1 लिख दिया, समझ में आ गई बात, ओके। तो इस तरीके से अपन का आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका 4th, ठीक है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। ये क्वेश्चन देखो, आपको 17वां क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, इसमें बोला है कि द फिगर दैट इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ एटम, ठीक है। क्वांटम नेचर ऑफ एटम का मतलब क्या है, कि किसी एटम के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ फाइनाइट एनर्जी स्टेट्स रखते हैं, ठीक है, तो उसको अपन लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन या डीएक्साइटेशन करेगा तो एनर्जी पैकेट्स को वो एमिट करता है, समझ रहे हो बात को, तो जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो ये सर्टेन वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी गई हैं, बाकी ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है, कुछ सर्टेन वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करी गई हैं, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ सर्टेन फोटॉन्स को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको एब्जॉर्ब करके वो किसी एक सर्टेन हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच रहा है, ठीक है। तो मतलब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट से, ठीक है, जो है एक्सप्लेन किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जो है क्वांटम थ्योरी से ही एक्सप्लेन होता है, कि भाई एक फोटोन आया जिसके पास एनर्जी ई थी, और उस फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस
वर्क फंक्शन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो E की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये कहां से लिखा था अपन ने, ये एक फोटोन की एनर्जी, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और ये आपका क्या है बेटा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं अपन लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से डायरेक्ट जो है डिपेंड करती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, तो अगर हम देखें तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि रेडिएशन क्या है, वर्क फंक्शन तो बेटा कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है किसी भी मेटलिक सरफेस के लिए, ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। तो अब अगर सपोज करो हम बात करें यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम बात करें, तो ये एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन क्या है, न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटलिक सरफेस, ठीक है। एक मेटलिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन चाहिए होता है वो आपका न्यू नॉट है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, वो आपका फिक्स दे रखा है, ये वैल्यू जो है आपकी वर्क फंक्शन की वैल्यू देगी, ठीक है। ऑब्वियस ग्राफ सही है, सोडियम का ज्यादा फिर पोटेशियम, वर्क फंक्शन सबसे कम रुबिडियम का होगा, है ना। अच्छा, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है ना। अच्छा, तो ये भी क्वांटम नेचर का ही एग्जाम्पल है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और वेवलेंथ का, जो अपन लोग जानते हैं कि ये भी एक क्वांटम थ्योरी, मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही एक्सप्लेन होने वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये वाला जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन और टेम्परेचर का जो ग्राफ दे रखा है, ये तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक्सप्लेन होता है बेटा, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होता है, एफ बाई टू आर टी, है ना, जहाँ पे एफ क्या होता है, किसी भी गैस का डिग्री ऑफ जो है फ्रीडम, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका जो है इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम बात करेंगे, ठीक है, सॉरी, इंटरनल एनर्जी जो है टोटल जिसमें सारी काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो गई, तो ये आपका आंसर जो है यही होगा फोर्थ, है ना, क्योंकि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट से या रेडिएशन से या एटम के जो क्वांटम नेचर से कोई लेना देना इसका नहीं है, ओके। बढ़े आगे, 17वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18, मेटल मेनली यूज इन डिवाइसिंग फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। तो अपन लोग जानते हैं जिन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है, उन मेटल्स को हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाए, और यूजुअली उसमें एल्कली मेटल्स ही यूज करते हैं। अब एल्कली मेटल्स में भी जिनको आसानी से हैंडल किया जा सके या और साथ में उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन लोग देखेंगे यहाँ पे कि लिथियम सोडियम को तो यूजुअली नहीं करेंगे, बट रुबिडियम सीजियम, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन रुबिडियम और सीजियम में भी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा रहेगा, सीजियम का, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो, आपको क्वेश्चन 19 में दे रखा है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, एक काल्पनिक परिस्थिति है जिसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर L जो है वो 0 से लेके n तक, n प्लस 1 तक वैल्यू लेता है, ठीक है। वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का दे रखा होगा, जैसे 9 है तो वो फर्स्ट एल्कली मेटल होगा क्या, ठीक है। अभी जो है लिथियम होता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 9 होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जिस n की वैल्यू 1 के लिए हम लोग l की वैल्यू सर्च करते थे, तो l की वैल्यू क्या होती थी, 0, है ना, सिर्फ 0 होती थी, लेकिन वो कह रहे हैं आपको हाइपोथेटिकली मानना है कि 0 से लेके n प्लस 1 तक लेना है, ठीक है। मतलब आपके पास जो है फर्स्ट ऑर्बिट में 1s होना चाहिए, 1p होना चाहिए और 1d होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, n इज इक्वल टू 2 के लिए जब बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए आपका जो आएगा 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में 2s भी आएगा, 2p भी आएगा, 2d भी आएगा और 2f सबसेल भी आएगा, ठीक है। तो ये सारे सबसेल मौजूद रहेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी एटम्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, जब n प्लस l रूल हम लोग एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे, क्लियर। सो यहाँ पे क्या आएगा, 1s, 1s, देन 1p, देन 1d, ठीक है। अच्छा, 1p और 2s में एनर्जी कम किसकी होगी, ऑब्वियस है 2s की, क्योंकि इसका n प्लस l रूल जो है उसके हिसाब से 2s पहले आना चाहिए, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, सो 2s पहले आएगा, बाद में कौन आएगा, 1d, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं पे भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि n प्लस l रूल को अपन को फॉलो नहीं करना है, अपन तो n प्लस l रूल को फॉलो करके ही करेंगे, ठीक है। सो 1s, 1p, 2s, 1d, है ना, और फिर उसके बाद इसमें आएगा 2p एंड सो, इतने से सॉल्व हो जाएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको जो है ऑप्शंस जो दे रखे हैं ये समझो, 9 इज द फर्स्ट, तो 1s, 2s, सॉरी 1s, 1p, 2s एंड 1d एंड सो ऑन, ठीक है। अगर अपन लोग देखते हैं बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है उसको फिल करके देखो आप, ठीक है, तो 1s 2, 1p 6, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन p में 6 आ सकते हैं, और 2s 1, ठीक है, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1s 2, 1p 6 और 2s 1, मतलब यहाँ पे जो 9, z is equal to 9 के लिए अपन लोग देख रहे हैं, तो 1s 2, 1p 6 और 2s 1, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देखोगे तो ये फर्स्ट एल्कली मेटल में ही आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s 1 किसकी है, ठीक है भाई, 1s 1 जैसे तो यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर जो होगा वो तो हाइड्रोजन का ही रहेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2s 1 का ही आएगा, तो 2s 1 के करस्पॉन्डिंग 9, ये सही है, ठीक है, मतलब यही ऑप्शन होना चाहिए। बाकी हम देख सकते हैं कि 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस, ठीक है, तो फर्स्ट नोबल गैस तो हीलियम ही रहेगी बेटा, 1s 2 वाली, ठीक है, तो वो तो नहीं आंसर होगा। 13 हैव हाफ फिल्ड वैलेंसी सबसेल, तो 13 हैव हाफ फिल्ड वैलेंसी सबसेल, तो 13 के केस में अपन लोग देखेंगे, ठीक है, तो 13 के केस में क्या होगा, केस में अपन लोग 1s 2, 2p 6 और 2s 2 और 8, यहाँ पे कितने बचे, 3, तो 1d 3, है ना, जो कि आपका हाफ फिल्ड बैलेंस सेल नहीं होगा, ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड तो नहीं माना जाएगा, 1d 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 6 हैज 2p बैलेंसी सेल, तो 6 हैज 1s 2 और यहाँ पे 1p 4, ठीक है, तो 2p बैलेंसी सबसेल, तो 2p वैलेंसी सबसेल तो हो ही नहीं सकता इसमें बेटा, ठीक है, सो ये भी नहीं होगा, क्लियर। ये जो थर्ड आंसर है प्रोबेबली एनटीए ने इसको दे रखा है, क्लियर। सो आप एक बार देखो उन्होंने कैसे इसको अज्यूम करा है, उन्होंने क्या है, n प्लस l रूल को वायलेट करके आंसर दिया है, ठीक है। सो 1s 2s 1s 1p और 1d, ठीक है बेटा। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर अपन लोग देखेंगे तो z is equal to 13 को जब फिल करोगे आप, तो 1s 2 आएगा, 1p 6 आएगा और फिर d 5 आ जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से जो है d 5 का हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए क्या है इसका आंसर NTA के हिसाब से, जहां तक मैंने देखा था कहीं पे, जो NTA ने इसका आंसर 13 दे रखा है, क्लियर। बट n प्लस l रूल अगर अपन लोग फॉलो करते रहेंगे तो आंसर फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो बेटर अप्रोच तो पहले वाले की है, ठीक है, बट NTA ने अगर दिया है तो अपन लोगों को n प्लस l रूल को कंसिडर करते हुए कि भाई उसको वॉयलेट करके अपन लोग आंसर करेंगे, समझ में आ गई बात। चलो बढ़ते हैं आगे,
नाउ अब अपन लोग बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ से अपन लोगों का जो है 1920 का सेशन चालू हो रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 21 में पूछे गए हैं। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम एन इनिशियल एट टू एन फाइनल एन द प्लॉट ऑफ वेव नंबर। ठीक है भाई, तो वेव नंबर का प्लॉट बनाना है अपन को। तो आपको जो दे रखा है कि भाई आरएच स्लोप के साथ रैखिक अरैखिक है ना, ये सब दे रखा है। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखो बेटा एन वन और एन टू, जब कोई हायर एनर्जी स्टेट एन टू से जो है जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ठीक है, पहले तो अपन ने ये लिख लेना। आपको बोला जा रहा है n इनिशियल 8 है, मतलब अपन लोग जिसको n2 बोलते हैं वो 8 है, यहाँ से जंप मारी जा रही है। ठीक है, और n फाइनल जो है जिसको अपन लोग यहाँ पे n1 बोल रहे हैं वो कितना है n। ठीक है, तो फॉर्मूला जो बनेगा वेव नंबर का वो क्या बनेगा, वेव नंबर का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर मतलब वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एट का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका वेव नंबर आएगा। ठीक है, अब अपन लोगों को क्या बताना है कि भाई एमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन इनिशियल एट टू एन फाइनल एन तक, ये बताना। ठीक है, तो एन इनिशियल एट से एन फाइनल, तो प्लॉट ऑफ वेव नंबर वर्सेस वन अपॉन एन स्क्वायर, तो वेव नंबर वर्सेस वन अपॉन एन स्क्वायर का जो ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना, वो कैसा आना चाहिए बेटा इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से जो है ये कोई इंटरसेप्ट लेके जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना, और ये कुछ इस तरीके से आएगा, स्लोप इसकी पॉजिटिव ही रहेगी जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट आरएच हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई स्लोप आरएच के साथ, ठीक है, रैखिक रहेगा, सो आंसर क्या आएगा इसका, थर्ड आएगा है ना, माइनस आर एच तो नहीं आएगा, सो आपका जो है थर्ड आंसर होगा इसका। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपको जो है स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरप्रिटेशन बताने, ठीक है, कि भाई आप क्या समझते हैं। तो देखो बच्चों, आपको पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एंगुलर मोमेंटम स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर रहेगा, ठीक है, जिसका कोणीय संवेग कम रहेगा, कम कोणीय संवेग वाला के कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक कोणीय संवेग वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से दूर रहता है ना, कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर रहता है। ये अगर हम बात करें नील बोर मॉडल से, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होता है, एन एच अपॉन टू पाई। तो कोणीय संवेग के हिसाब से हम देखेंगे तो जितना ज्यादा कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, मतलब एच अपॉन टू पाई तो कॉन्स्टेंट है तो एन की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा रही होगी, और एन की वैल्यू जितनी ज्यादा रही होगी न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑब्वियस है जिसका कोणीय संवेग ज्यादा उसका दूरी भी ज्यादा, ठीक है, तो भाई पहला कथन तो आपका सही हो गया, ओके। दूसरा कथन पढ़ते हैं, आपको बोला जा रहा है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एजीमथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे जो साइज है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट का जो साइज होता है वो बेसिकली रेडियस के बारे में अगर हम बात करें, साइज को रेडियस के टर्म्स में समझें तो एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, अब एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे एजीमथल क्वांटम नंबर जो है अपना जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, समझो बात को,
जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो एन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एन की वैल्यू एल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका, तो बी तो नहीं होगा, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेटमेंट देखते हैं वो अपन लोग। अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, ठीक है। तो वेव मैकेनिक्स के हिसाब से ये एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एच अपॉन टू पाई होना चाहिए। ये स्टेटमेंट वेव मैकेनिकल मॉडल का नहीं है बेटा, ये स्टेटमेंट किसका है, नील बोर एटॉमिक मॉडल का। तो अपन लोग बोलेंगे कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई का जो रिलेशन है, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू वन रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई आएगा। तो ये जो पर्टिकुलरली हम बात करेंगे स्टेटमेंट वेव मैकेनिकल मॉडल का ना होके, ये नील बोर एटॉमिक मॉडल का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, बी भी गलत, सी भी गलत है ना। अच्छा, नाउ द प्लॉट ऑफ साई वर्सेस आर फॉर वेरियस एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है, सो स्पीक शिफ्टिंग टू हायर वैल्यू, ठीक है। तो विभिन्न विगंसी क्वांटम संख्याओं के लिए साई और आर का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो अब विभिन्न अगर हम लोग देखें कि भाई यहां पे आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें बेटा साई वर्सेस आर की, तो साई वर्सेस आर जो है आपको एन तो फिक्स लेना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए बात कर रहे हैं। तो सपोज करो हमने एन इक्वल टू 3 लिया तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब 3s 3p और 3d, तो 3s 3p और 3d। तो जब आप इसके ग्राफ प्लॉट करोगे तो 3s के लिए क्या होगा, कुछ तरीके से ग्राफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप 3p के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो नोड कितने आएंगे भाई, नोड जो आएंगे 3 -1 -1 रेडियल नोड आएंगे 1, ठीक है। सो आप बोलोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ये 3p का ग्राफ हो गया ब्लैक से, और जो है अगर मैं ब्लू से बनाऊं तो 3d का क्या होगा बेटा, 3d का कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, 0 नोड आएंगे 3d के लिए, ठीक है। तो भाई 3s में कितने नोड आए, 0। 3s में आपके पास आप देखोगे तो 3s के करस्पॉन्डिंग 3 -0 -1 = 2 नोड, 3p के करस्पॉन्डिंग आएगा 3 -1 -1 = 1 नोड, और 3d में एक भी नोड नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जहां तक वो पीक की बात कर रहे हैं तो ये जो ग्राफ्स होते हैं ना बेटा, ये जो पीक आ रहा है ना, ठीक है, ये पीक सबका आगे शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका, तो ये स्टेटमेंट जो आ रहा है डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है और डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ए और डी का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं बेटा। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ग्राफ जो है ना, जो आपतित किरण है, इंसिडेंट लाइट है और इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ठीक है, उसको सही से निरूपित रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं कि भाई ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। अच्छा जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है आपकी वो यहां पे प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं करेगा। तीव्रता का मतलब क्या है कि धातु की सरफेस पे कितने सारे फोटॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर 100 फोटॉन्स प्रति एक यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया गिर रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 1000 फोटॉन्स आ रहे हैं तो 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो तीव्रता से काइनेटिक एनर्जी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। एक फोटोन जो आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो एक फोटोन के पास अगर ज्यादा ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई लेना देना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी। तो ये ग्राफ सही है बेटा, हमें बताना है कौन सा ग्राफ सही नहीं है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ ग्राफ बताया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा कितने बाहर आ रहे हैं वो तो डिपेंड करेगा कि जो
इसके ऊपर फोटॉन्स कितने आ रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो तो फोटॉन्स कितने पड़ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसी पे डिपेंड करेगा ना बेटा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाले हैं, तो एक तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बेटा, इस फ्रीक्वेंसी पे, मतलब इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू होते हैं, ठीक है ना। अब आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ाते रहो, अगर आप तीव्रता नहीं बदल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही आने वाले हैं, ठीक है, समझ रहे बात को, तो ये ग्राफ भी सही हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ लाइट की बात करेंगे तो ऑब्वियस अपन ने देखा कि एनर्जी ऑफ लाइट माइनस वर्क फंक्शन, अपन ने देखा कि फॉर्मूला जो होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी ऑफ लाइट माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन तो फिक्स होगा, तो फिक्स होगा तो इंटरसेप्ट जो है, ये ग्राफ भी सही होगा, कुछ तरीके से आएगा, ठीक है, मतलब ये जो कर्व आएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी ऑफ लाइट का वो ऐसा ही आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी, ठीक है, ये समझ में आ गया, तो ये ग्राफ भी करेक्ट हो गया आपका। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की जहां तक बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, ये ग्राफ तो नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, सो यही इनकरेक्ट है और आंसर भी यही हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, आपको क्या बोला जा रहा है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो इतनी है, एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। तो एनर्जी की जहां तक बात करें तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए हम बात करें, किसी भी ऑर्बिट के लिए, वो कितनी आती है, हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, माइनस 13.6 आपको जो एनर्जी निकालनी है वो हीलियम आयन की, हीलियम आयन की किस, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब n = 3 बेटा, ठीक है, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड एनर्जी स्टेट, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आएगा n = 3 is equal to क्या होगा, माइनस 13.6 इंटू z की वैल्यू तो 2 हो गई, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग बोलेंगे माइनस 13.6 इंटू 4 बाई 9, है ना। अच्छा, तो ये कितना आएगा, माइनस 9 और 1.51 इंटू 4, ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 एकम 4, 4 पच 20, 6.04, ठीक है, तो 6.04 इज द आंसर, फोर्थ आंसर होगा इसका, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, 24वां क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है कि हीट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 900 नैनोमीटर, व्हिच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन इज सूटेबल फॉर दिस पर्पस। ओके भाई, तो अपन को पता है बेटा 900 नैनोमीटर की जब बात हो रही है, ठीक है, तो सभी इनफाइनाइट से आप देख रहे हो यहाँ पे, ओके, एक्सेप्ट पास्टन सीरीज 5 to 3। तो अगर हम देखें पहले लाइमन के लिए चेक कर लेते हैं बेटा, या बामर के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियस है लाइमन के लिए अगर अपन लोग चेक करेंगे तो वेवलेंथ कितनी आनी चाहिए, 900, ठीक है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, 1/λ इज इक्वल टू, लाइमन के लिए अपन लोग देख रहे हैं आर, जेड तो 1 है, ठीक है। अच्छा जी, हाइड्रोजन एटम अपन ने लिया है तो जेड तो 1 हो गया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, 1/r, ठीक है, और 1/r अपन लोग, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है RH, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.097 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1/1.097 इंटू 10^-7, ठीक है, इसको अगर अपन लोग क्या करें बेटा, इसको अप्रोक्सीमेटली 100 कर दो तो ये हो जाएगा 10^-9, ठीक है, और 10^-9 मीटर क्या होता है, नैनोमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 से कुछ कम आएगी, 99 समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना, तो ये आपका
99 नैनोमीटर के आसपास आएगा। बामा सीरीज के लिए देख लेते हैं जरा, बामा सीरीज के लिए क्या आएगा, बामा सीरीज के लिए बेटा जो है नैनोमीटर में अपन लोगों को देखना है, ठीक है, तो लाइमन तो नहीं होगा। बामा सीरीज के लिए अगर आप चेक करोगे तो इस तरीके से ही कर लेंगे। पास्चन सीरीज के लिए देखो बेटा, पास्चन सीरीज के लिए 1/λ आर की वैल्यू अपन को पता है, ठीक है, तो पास्चन सीरीज के लिए 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका लेमडा इज इक्वल टू 9/r, ठीक है। सो 9/r, अच्छा r की वैल्यू इन्होंने दे ही रखी है ऑलरेडी, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻⁷, ठीक है। सो r की वैल्यू आपको दे रखी है। अब इसमें देखो 9/1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये 900 नैनोमीटर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, सो आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड आंसर इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे, आपको बोला जा रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू होता है आपका H/mv, जहां पे H √2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू m, ये फॉर्मूला निकालते हैं अपन लोग, है ना। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं अपन लोग H(ν-μ0), ठीक है। अच्छा, पुट कर दो यहाँ पे, तो लैम्डा जो होगा, ऊपर तो H है, नीचे क्या है आपका, ये भी आपका √2 H ही है, ठीक है, और यहाँ पे ν-μ0 आएगा इनटू m, तो लैम्डा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ν-μ0 ⁻¹², ठीक है। सो ये आपका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा, है ना। अच्छा, बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों का है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही ऊपर क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 6×10⁵ मीटर पर सेकंड, ओके। तो वर्क फंक्शन अपन लोगों को निकालना है बेटा, तो वर्क फंक्शन कैसे निकाला जाए, वर्क फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो अपन लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दे रखी है, वर्क फंक्शन आपको पूछा गया है, आपको लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, है ना, और वेलोसिटी आपको दे रखी है 6×10⁵ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा 1/2 × mv², है ना। अच्छा, तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर करना है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो 1/2 mv², 1/2 m की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन के लिए अपन लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है 9×10⁻³, ऐसा उन्होंने बोल रखा है, और v की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट जो है आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी दे रखी है वो 6×10⁵, तो इसका स्क्वायर होगा 36×10⁻¹ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा, ये 18 9 162, तो 162×10⁻²⁰ आ जाएगा, ठीक है, मतलब अपन लोग 1.62×10⁻¹⁹ ले सकते हैं, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई, ठीक है। अच्छा, और जो एनर्जी आ रही है 4000 एंगस्ट्रॉम, जो लाइट की एनर्जी है वो कैसे लिखते हैं, 12400/4000 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 × 12 = 4, ठीक है ना, ओके, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 10, सो दैट इज व्हाट 3.1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है आपकी एनर्जी आ गई, क्योंकि ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो आंसर दे रखे हैं 3.1, 2.1, 4.0, 0.9, तो देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको जूल को कन्वर्ट करेंगे तो 1.62 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करोगे आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई तो 3.1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा इसका, 26 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला जा रहा है, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.5 पाई एंगस्ट्रॉम ए नॉट। तो जैसा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करी मैंने, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला अपन लोग निकालेंगे, ठीक है, वो क्या आया था बेटा, 2 पाई एन ए नॉट बाई जेड, ठीक है। अच्छा, तो बोर रेडियस के टर्म्स में अपन लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव करा है। अपन को पूछा जा रहा है कि ये जो nth ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो 1.5 पाई ए नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एन ए नॉट बाई जेड, तो एन बाई जेड कितना आ गया, यही पूछा जा रहा है ना आपको। तो आप क्या करो, पाई पाई कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, ए नॉट कैंसिल आउट कर दो, क्लियर। अच्छा, तो n बाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, तो n बाई जेड की वैल्यू आ रही है आपकी 1.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 0.75, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। नाउ द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 28, तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2। अच्छा, तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, तो एनर्जीज का करेक्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे बेटा, n प्लस l रूल के हिसाब से। तो n प्लस l रूल के हिसाब से जाएंगे, तो जिसका n प्लस l वैल्यू बड़ा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो n प्लस l वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन की 6, ठीक है, और इसकी कितनी आ रही है, 5, थर्ड ऑप्शन की कितनी आ रही है, 5, और फोर्थ ऑप्शन की कितनी आ रही है, 4। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, फोर्थ की, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इन दोनों में है, तो फोर्थ की सबसे कम, और सबसे ज्यादा किसकी आएगी बेटा, फर्स्ट की, ठीक है। तो ये दोनों ही, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड में क्या होगा, दोनों का 5-5 ऑर्डर है बेटा, तो एनर्जी कम उसकी होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू कम है, तो सेकंड आपका, ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, सेकंड की एनर्जी थर्ड से कम होगी, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, 28 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको बोला जा रहा है साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्लोराइड आर्गन एंड कैल्शियम इज अफेक्टेड बाय, है ना, तो क्लोराइड आर्गन और कैल्शियम सभी क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्लोराइड आर्गन एंड कैल्शियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा आपके पास, 18, 18 और 18, ठीक है, जबकि प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 20, इसके पास 18 और इसके पास 17, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे जो साइज होगा, ठीक है, साइज का अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो जिसका प्रोटॉन ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, ठीक है, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल सब में एक ही होंगे, ठीक है, 18-18 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज आंसर होगा बेटा इसका, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा लगेगा साइज उतना छोटा होगा, ठीक है, एजीमथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंसी सेल उससे भी कोई लेना देना नहीं है, ओके, सो आंसर आपका थर्ड। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो। देखो आपको बोला जा रहा है बेटा P इज द मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है, द रेडिएशन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, देन फॉर 1.5 मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी,
है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि जो लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से किरण जो है आपतित होने पर धातु की सतह से निकले हुए तीव्रतम इलेक्ट्रॉन का संवेग जो है पी है। अच्छा, आपको ये बोला जा रहा है बेटा कि गतिज ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं वर्क फंक्शन से काफी काफी ज्यादा है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा काफी ज्यादा है तो ऊर्जा तो काफी ज्यादा फिर होगी होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस टर्म का जो है हमें यूज क्या कर रहे हैं, जब अपन लोग लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को इग्नोर करेंगे अपन लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में बात करें, क्योंकि हमें क्या है बेटा रेशियो के टर्म्स में निकालना है, तो देखो जिसका मोमेंटम पी है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की जहां तक बात करें तो पी स्क्वायर अपॉन 2m आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको बोला जा रहा है कि P इज द मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। अच्छा ओके भाई, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी, क्या यूज करेंगे हम लोग, तो देखो काइनेटिक एनर्जी अपन लोग बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट, एनर्जी मतलब एनर्जी जो होगी फोटोन की वो क्या होगी, एच सी बाई लैम्डा के बराबर, ठीक है। ये अपन लोगों को कहीं ना कहीं यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी विल बी है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अपन लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है, जब पी अपन लोगों मोमेंटम देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी वन, ऐसा करो काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टू जो आएगा वो क्या होगा, लैम्डा टू बाई लैम्डा वन के बराबर। पहले की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा वो आएगी पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है, और दूसरे की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 1.5 पी का स्क्वायर, ठीक है। तो 1.5 का 5 पी का स्क्वायर अपन लोग करेंगे अपॉन 2m इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, ठीक है। अच्छा, ये 2m हट गया यहाँ से, क्लियर, बचा गया पी स्क्वायर भी हट गया, तो बचा गया यहाँ से 1/2.25, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो अब देखो यहाँ पे लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू, अपन को लैम्डा 2 पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू व्हाट, ये आएगा 1/2.25 इनटू लैम्डा 1, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग इसको क्या करें, 100/2.25 कर दो, 25 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा यहाँ से, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4/9 ऑफ, तो आंसर 4/9 ऑफ लैम्डा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है, 4/9 ऑफ लैम्डा ये आ जाएगा आपका 30 का आंसर, क्लियर। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एटम, डिफरेंस ऑफ वेव नंबर आपको बोला जा रहा है कि वेव नंबर मैक्सिमम माइनस वेव नंबर मिनिमम बी द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज या वेव नंबर के टर्म्स में हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट है, तो फ्रीक्वेंसी जो है 1/λ के टर्म्स में होगा बेटा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा जो है वो क्या होगा, अपन लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, 1/N1² - 1/N2², ठीक है। अच्छा जी, अब जब हमें डिफरेंस निकालना है एक ही ट्रांजिशन का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे क्या होगा, N1 तो सेम ही रहेगा बेटा एक ही ट्रांजिशन के लिए, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइमन सीरीज का जो है, जब अपन लोग निकालेंगे ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो क्या होगा यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, रेशियो ही निकालना है अपन लोगों को, ठीक है, आर जेड स्क्वायर वगैरह ये सब कहानी है, 1/N1 मतलब 1/1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा बेटा,
जब इनफाइनाइट से आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद मिनिमम कब होगा वेव नंबर, जब अपन लोग बोलें ये 1/2 से आएगा, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि डेल बार ऑफ लाइमन, न्यू बार ऑफ लाइमन, ये कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिनिमम मिनिमम वाला 1/(n1)² तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहाँ से क्या बचेगा 1/2, ठीक है, ऐसा है ना। अच्छा अब यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब 1/(n2)² जो होगा बामा सीरीज के लिए क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/(2)² माइनस 1/∞² माइनस 1/(2)² माइनस 1/3² होगा, ठीक है। 1/(2)² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ से कितना आएगा 1/9, ठीक है, समझ रहे बात को, तो ये आपका 1/9 बचेगा बेटा, ठीक है। अब इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे अपन लोग, तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो अपन लोगों को निकालना है फ्रीक्वेंसी, लाइमन की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है अपॉन बामर की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 1/4/1/9, दैट कम्स आउट टू बी 9/4, ठीक है। सो आंसर देखो ऑप्शंस में क्या दे रखा है अपन को 9/4, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा जी बढ़ते हैं आगे, सो 9/4 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग 1s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज। तो जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी के डबल आता है, ये बात सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर हम बात करें तो, ठीक है। अच्छा तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ, हमें इनकरेक्ट बताना है बेटा, तो आंसर ये नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a0 इलेक्ट्रॉन, 2a0 डिस्टेंस, ये बात सही है। अगर अपन लोग जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम पे, लेकिन वो 2a0 पे भी पाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो जीरो होगा, इनफाइनाइट पे कहीं जाके वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, इसको भी आंसर नहीं करेंगे। द नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो ए नॉट मतलब ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ए नॉट पे जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा -13.6, ठीक है, और ये -3.4 है ना। अच्छा इस तरीके से जो है अपन लोग देखेंगे -1.51, तो ये एनर्जी तो बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन में एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी स्टेट 0 पे मतलब इन्फिनिटी पे हो जाएगा। तो अगर अपन लोग बात करें तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है उच्चतम तब होगी जब वह नाभिक से a0 दूरी पर होगा, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हुआ।
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का घनत्व नाभिक पर सर्वाधिक है, ये बात भी सही है, क्योंकि प्रायिकता घनत्व जो है आपका साई स्क्वायर का ग्राफ होता है, ठीक है। प्रायिकता घनत्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है, साई स्क्वायर वर्सेस आर की बात कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से ही आता है बेटा, ठीक है, है ना। तो वो तो डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन अपन देखेंगे न्यूक्लियस आर जीरो जब होगा तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना। अच्छा, जहां तक हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, और 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है तो ऑब्वियस स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर अपन का क्या जाएगा, थर्ड जाएगा, आंसर आपका 3 होगा। बढ़ते हैं आगे, 33 नंबर का क्वेश्चन। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर इज शोन बिलो द रिप्रेजेंट, ठीक है ना। ऑब्वियस है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोड आ रहा है, ठीक है, और जो ग्राफ का नेचर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एस ऑर्बिटल के लिए इस तरीके का नेचर का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोड किसके लिए आएगा, 2s के लिए आना चाहिए, 2 - 0 - 1 = 1, ठीक है। सो आंसर जो है 2s होगा आपका, क्लियर, 3s भी नहीं होगा, है ना, और 2p और 1s भी नहीं होगा। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बेटा। आपको बोला जा रहा है रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, मतलब जो है लघुत्तम तरंग दैर्ध्य का अनुपात जो है 9 है, आपके पास लाइमन और बामर दे रखा, लाइमन पाश्चन दे रखा है। तो देखो बेटा, 1/λ शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम, वो क्या होगा, आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर, जहां पे भी वो जंप कर रहा है, लेकिन जो N2 होगा वो इनफाइनिटी होगा बेटा, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि एनर्जी अपन लोगों को मैक्सिमम चाहिए, तभी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अपन लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो लेमडा मिनिमम आ रहा है, ठीक है, ये तो प्रोपोर्शनलिटी हो गया बेटा, तो 1/λ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि लेमडा मिनिमम फॉर लाइमन, ठीक है, एंड लेमडा मिनिमम, तो लाइमन के लिए 1/1 स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है, और लेमडा मिनिमम फॉर पाश्चन अगर हम देखें तो पाश्चन के लिए क्या आएगा, 1/3 का स्क्वायर, N1 कितना होता है पाश्चन सीरीज के लिए, 3, है ना। तो अगर अपन लोग देखें यहाँ पे, तो जो सॉरी यहाँ पे अपन लोगों ने डायरेक्ट लिखना है 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर लिख रहे हैं तो ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए बेटा तो 9 आएगा, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो अगर 9 आएगा तो आंसर आपका फर्स्ट होगा। सेकंड आप चेक कर सकते हो, किसी का आंसर नहीं आएगा पाश्चन ब्रैकेट के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पाश्चन के लिए आप देखो तो पाश्चन लाइमन बामर पाश्चन, पाश्चन के लिए N1 3 होगा, ठीक है, और ब्रैकेट के लिए 4 होगा, और फुंड के लिए क्या होगा, 5 होगा। तो ये आपका नहीं मैच करेगा, इसी तरीके से आपका ये वाला भी मैच नहीं करेगा, तो आंसर आपका फर्स्ट ही आएगा, है ना। नाउ बढ़ते हैं आगे, 35 क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू फाउंड इन, इलेक्ट्रॉन की संभावना कहाँ से कहाँ होती है। तो साई जो है बेटा आपका, ये न्यूक्लियस है अगर, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की संभावना, ठीक है, मतलब साई का वेव फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसका पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस है, क्लियर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ए रीजन में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है और इस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो आपका इन द रीजन फ्रॉम ए एंड सी ये दोनों ही आएगा, है ना। नेक्स्ट जो है आपका, अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट, तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट, तो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम किसमें होगी बेटा, 2s सभी के हैं, है ना, लेकिन अपन लोगों को एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड एन स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी जिसका जो है आपका एटमिक नंबर जेड सबसे ज्यादा होगा उसका क्या होगा, एनर्जी सबसे क्या होगा, कम होगा, ठीक है, समझ में जो यहाँ पे जो है जिसका जेड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अपन लोग जानते हैं बेटा एनर्जी जो है नेगेटिव ऑफ -13.6 × Z² / N² अगर हम नील बोर के फॉर्मूले के हिसाब से जाएं, तो जो ऑर्बिट्स हैं, क्लियर, उसमें नेगेटिव साइन के साथ एनर्जी आ रही है, तो जिसका जेड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, जेड जिसका मैक्सिमम होगा उसका ई क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ तो आंसर क्या
आएगा अपना पोटेशियम। बढ़ते हैं आगे बेटा, यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 5 एंड एम एस इज इक्वल टू प्लस ऑफ क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है ये, है ना। तो एन इज इक्वल टू 5 और एम एस इज इक्वल टू प्लस ऑफ। तो अगर हम देखें एन इज इक्वल टू 5 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर 2n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 50 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसमें आपको स्पिन में फिक्स है कि भाई आपका जो है क्लॉकवाइज स्पिन हो, ठीक है। तो 50 में से आधे क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे और आधे एंटी क्लॉकवाइज, तो 25 के लिए ms प्लस हाफ होगा, ठीक है, और 25 के लिए ms माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे आंसर अपना कितना आएगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38, आपको बोला जा रहा है कि भाई द बामर सीरीज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना बेटा, ठीक है। एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइन इन द सीरीज कॉन्वर्ज। अच्छा जी, तो देखो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है मतलब एनर्जी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है कि भाई जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटती है श्रेणी में लाइनें अभिसरित करती है मतलब कॉन्वर्ज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वेवलेंथ मतलब ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है। अब ये गैप कम आता जा रहा है बेटा, तो ये जो वेव लेंथ आ रही है, ठीक है, ये काफी हद तक क्लोज आती जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑब्वियस कॉन्वर्ज कर रही है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, ये वैसे वैसे क्या होती जाएंगी, बहुत नजदीक आती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्वर्ज करने मतलब ये वेवलेंथ क्या हो रही है, कॉन्वर्ज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर देखो आगे, द इंटीजर एन वन इज इक्वल टू 2, ठीक है, पूर्णांक एन वन 2 के बराबर है, बामर सीरीज के लिए बिल्कुल 2 के बराबर है, सही बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द लाइंस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू एन टू इज इक्वल टू 3, ये बात भी करेक्ट है बेटा, क्योंकि अगर आप जो है बामर सीरीज के लिए बात करो तो बामर सीरीज के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, 3rd से 2 में आता है, तो 3 से 2 में अगर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी गैप सबसे कम है, एनर्जी गैप सबसे कम है तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा इसका, लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एन टू इज इक्वल टू 3 के लिए ही आएगा, तो ये 3rd स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया आपका। 4th स्टेटमेंट देखो बेटा, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइन्स, ठीक है। तो इन लाइन्स की मदद से, ठीक है, अपन लोग आयनाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग अगर इसका आंसर दें तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ऑब्वियस तीन ही स्टेटमेंट अपन लोगों के ऑप्शंस में हैं, तो 1, 2, 3 विल बी द आंसर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ओके। बढ़ते हैं आगे 39, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक का, फिर मोल कॉन्सेप्ट अपन लोग चालू करेंगे। तो रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ऑफ ए नॉट, है ना। तो सेकंड अगर हम लोग बात करें लिथियम 2 प्लस के लिए, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो ये कितना आएगा, एन स्क्वायर बाई जेड ए नॉट आ जाएगा बेटा, है ना। अच्छा, एन की वैल्यू अपन के पास कितनी है, एन की वैल्यू है आपको सेकंड ऑर्बिट की बात करी तो 2 का स्क्वायर, और लिथियम का जेड कितना होता है बेटा, 3, है ना। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे 4a0/3, ये आपका आंसर होगा। तो 39 का अपन का आंसर अपन को मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा फिनिश हो गया आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब मोल कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।